यार मैंने बी फार्मा तो कर लिया है, अब मैं इसके बाद क्या करूं यार? मैं एम फार्मा करूं या मुझे जॉब करनी चाहिए? यार मैं क्या जॉब कर लूं यार? मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, बी फार्मा तो मैंने कर लिया है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अरसलान सिद्दीकी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे बी फार्मा जॉब के बारे में। आफ्टर बी फार्मा आप जॉब कैसे पा सकते हैं, आप कौन कौन सी फील्ड में जॉब पा सकते हैं, इंडस्ट्री में, लेक्चरर के रूप में, एकेडमी फील्ड में आप कैसे जॉब पा सकते हैं, तो आज हम लोग उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो आप लोग ने अगर अपने बी फार्मा कंप्लीट कर लिया है तो हम लोग आज तीन कैटेगरी में अपनी जॉब्स को डिवाइड करेंगे। बहुत सारी जॉब है बट पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारे से पार्ट वन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे ये तीन प्रोसेस कौन कौन से हैं। तो पहला है जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप जी हाँ बिल्कुल, बी फार्म करने के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब को अपना एलिजिबल हो सकते हो। ड्रग इंस्पेक्टर DI, जो हमारे DI होते हैं, क्योंकि हमारी ये बहुत ही कम वैकेंसी निकलती है, तो हर कोई DI नहीं करना चाहता है सब लोग। और ये रेलवे फार्मासिस्ट है, आप एलिजिबल होते हो रेलवे के लिए, रेलवे फार्मासिस्ट भी आप बन सकते हैं और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी बन सकते हो। ये तीनों हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है, और ये जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है आप इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हो। और ये तीनों हमारी क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा इंडस्ट्रियल जॉब है, यार जिसको बहुत ही इंटरेस्ट है रिसर्च करने में, क्वालिटी कंट्रोल में, तो वो इस इंडस्ट्रीज में जा सकता है। तो हमारा जो इंडस्ट्री जॉब है उसमें क्या है, R&D डिपार्टमेंट है। R&D डिपार्टमेंट का मतलब होता है रिसर्च डेवलपमेंट, मतलब रिसर्च होती है मेडिसिन की, कि मेडिसिन को कितना इम्प्रूव करके और उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है और उसको कितना बेटर बनाया जा सकता है, उसमें हम लोग R&D डिपार्टमेंट में बात करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है और उस पर रिसर्च कैसे करते हैं हम लोग। रिसर्च मेडिसिन पे हम लोग रिसर्च करते हैं कि हम लोग को कैसे मेडिसिन और बेहतर बना सकते हैं। और हमारा क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल मतलब जो भी हमारी इंडस्ट्री में मेडिसिन बन रही है उनकी क्वालिटी को अच्छा करना, बेटर करना, पहले से और अच्छा करना, उसको इफेक्टिव बनाना, तो उसमें हम लोग का जॉब रहता है, इंडस्ट्री में हमारा वर्क रहता है। अब हम लोग बात करते हैं एकेडमी, यार एकेडमी में भी आप बहुत अच्छे इसको बना सकते हैं, क्योंकि एकेडमी जो है, एकेडमी हमारा एक तरह आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, आप जाके बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म वालों को आप पढ़ा भी सकते हैं, एक लेक्चरर बन सकते हैं और एक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, पहले आप बी फार्म करिए, फिर एम फार्म करिए, उसके बाद आप PhD के लिए अप्लाई करिए, तो आपको कोई भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये हमारे आज सिर्फ तीन मैंने टॉपिक बताए जो आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेंगे। पहला हमारा क्या है, गवर्नमेंट जॉब, अगर जिसको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो वो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए DI है, रेलवे फार्मासिस्ट है और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है। और जिसको इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो हमारा R&D डिपार्टमेंट में जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और क्वालिटी कंट्रोल, जो भी हमारी ड्रग होती है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कैसे कराया जाता है। और जो हमारा अकेडमी में जाना चाहता है उसमें भी बहुत ही अच्छा स्कोप है, आप अगर पढ़ाने के शौकीन हो तो आप इसमें बिल्कुल जा सकते हो, इसमें हमारा लेक्चरर बन सकते हो, टीचर जो हम लोग पढ़ाते हैं जो लेक्चरर होते हैं वो बन सकते हो, और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।